दोस्तों आईपीएल का बहुत ही रोमांचक मैच आज खेला जाएगा, यदि 7:30 बजे PM में खेला जाएगा तो भाई आप लोग बने रहिएगा। तो एक एक स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, कौन से प्लेयर रन बनाएंगे, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं मैच को लेकर, मैच प्रेडिक्शन क्या रहेगी, पिच रिपोर्ट कैसा रहेगा, मैच हमको कैसे लगाना है, तो आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और सीधा चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। तो दोस्तों देखिए इसे बनाए वेस्ट ड्रीम 11 टीम, जाने पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 क्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 17वां मैच PBKS और GT के बीच आज यानी 4 अप्रैल को खेला जाएगा। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ऐसे में हम आपको पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 बताने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए IPL 2024 के 17वें मैच में पंजाब किंग की भिड़ंत गुजरात टाइम्स से होगी। दोनों टीमों का लीग में अब तक का सफर बेहद अलग रहा है। GT ने अब तक 3 मैच खेले हैं और 2 में जीत हासिल की है, जबकि PBKS ने 3 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 मैच जीतने में सफल रहा है। ऐसे में PBKS की नजर दूसरी जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में वापसी करने पर होगी। वही GT पिछली जीत के लय को बरकरार रखना चाहेगी। उसके बाद उसे देखिए इस मौके पर हम आपको पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइम्स ड्रीम 11 टीम पिच रिपोर्ट और प्लेइंग बताने वाले हैं। पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइम्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। दोस्तों ऐसा बहुत ही प्लेयर का नाम है, यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। यदि मैं सब कुछ पढ़ करके बताऊंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना समय नहीं रहता है। तो यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, फिलहाल आप लोग देख सकते हैं दोनों टीमों का जो यहाँ नाम मेंशन किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद उसे देखिए पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइम्स पिच रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच काफी सपाट है, जिसके कारण यहाँ पर बल्लेबाजों को यहाँ पर रन बनाने में आसानी होती है। हालांकि मौजूदा IPL 2024 सीजन में विकेट धीमी रही है, जिसके चलते गेंदबाजों को यहाँ पर काफी फायदा हुआ है, जबकि दूसरी पारी में ओस का असर पड़ सकता है। यही कारण है कि इस ग्राउंड पर टॉम्स की मुख्य भूमिका रहती है। उसके बाद उसे देखिए पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 शिखर धवन, दोस्तों यहां नाम मेंशन किया गया है, यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। रात दोस्तों आपने जो भी सुना सही है और पिच रिपोर्ट अच्छी है, इस पे रन भी बनते हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है और आपको उसी के हिसाब से जो है टीम को लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आप जब भी मैच लगाएं जिसका परसेंटेज लो होता है उन्हीं को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, तभी जो है आप जीत सकते हैं। मेरी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसके बाद जो भी है आप लोग लगाइएगा। फिलहाल दोस्तों जो भी है मैंने आपको बता दिया है, आपको किस तरह से कैसे टीम को लगाना है आप लोग कमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगा कैसे टीम को लगाया जाता है, तो आपको उसी के हिसाब से लगाइएगा।